इतिहास गल्लां सुनने वालियां दी भी कमी है ते सुनाउण वालियां दी भी कमी रही है। जिन्हां दा गुरु 646 सालां दे विचों जे 46 साल कढ दिंदे तां 6 सदियां पहलां रोटी दी गल करदा होवे। ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को वन, छोट बड़े सब संबत से रविदास रहे प्रसन्न। ते उस गुरु दी कौम 646 सालां तो बाद भी सिर्फ रोटी दे उत्ते खड़ी होवे। पिछले साल का अंकड़ा है, कल परसों की एक न्यूज है, लगभग 1.25 लाख मजदूर ए पिछले 19 तो लैके 22 तक धरती तो चल गया तंगी दे दुखो। तंगी की है? रोटी। करोड़ों लोग रात की रोटी तो भुखे सो जाते हैं। बहुत अच्छी गल, मैं काशी बनारस के मंदिर के जदों काशी बनारस गया प्रोग्राम के उत्ते उत्ते भी मैं तो यह गल की कि यह जिहड़ा दर्शन गुरु रविदास का अज साडे विच पेश किया जा रहा है, यह दर्शन साडा दर्शन नहीं है, ना गुरु रविदास का दर्शन है। समत बख्शे सच्चे पातशाह कौम नूं समझ आवे, सूझबूझ आवे, साड़ी सुन की प्रवृत्ति दे विच कोई चेंज आवे तो बहुत चंगा होगा। दुनिया का कोई अजिहा महला नहीं जिस महले दे विच साहब श्री गुरु रविदास महाराज के प्रकाश दिहाड़े दे उते उन्हां दी गल ना की जाए, उन्हां दी कहानी ना की जाए। लेकिन कहानी दो तरह की होंदी है, एक कहानी हड बीती होंदी है, एक कहानी जग बीती होंदी है। लेकिन 99% असी जग बीतियां कहानियां दे नाले गुरपुरब मना के अपने आप दे विच एक तसल्ली जे प्रगट कर लैंदे आ वी असी गुरु दा प्रकाश दिहाड़ा बहुत वधिया ढंग नाल मना लिया। क्योंकि जग बीती कहानी हकीकत दे नेड़े नहीं होंदी ते हड बीती कहानी हकीकत होंदी जिंदगी दा। जग बीती कहानी जिदा आप फिल्मां देखते हैं, धर्मेंद्र 50 फिल्मां दे विच जम पैंदा, 50 फिल्मां दे विच मर जांदा, उस कहानी का पात्र अनेक बार जमदा अनेक बार मरदा, लेकिन हकीकत दे विच वापरी कहानी का पात्र जिहड़ा वह इको बारी मरदा और इको बारी जमदा। इस मुल्क दे विच इह त्रासदी बन गई साडी कौम दी कि असी ढोलां दियां नगाड़ियां दियां तरजां दे उत्ते लग के अज का दर्शन जिहड़ा है। मैं तो रजिंदर जी सच्चे पातशाह के चरणों के पिछले 40 साल तो लगे, मैं तो इस साल मत्था टेकिया गुरु साहब के चरणों मेरा गाउणा ना तो मेरी जरूरत है ना मेरा शौक है, लेकिन एक गल सी भाई चलो जो अनुभव संत रामानंद महाराज साहब कांशी राम के चरणों के जो अनुभव सीखा सी वह अनुभव अपनी कौम को वंड जाइए। हो सकता कोई आने वाले समय के जेडे तुहाडे डीसी लगते सी ना साडे वर्गे कलाकार ने गीतों के बहुत बड़े बड़े जाने के दमगजे मार दते थोड़े पिछले नौजवानों का मन रखण के लिए। ये मित्रों डीसी नहीं होने लग्या करने थोड़े, हुण थोड़े MBBS नहीं बने, हुण तुहाडे तहसीलदार नहीं बनिया करने, हुण तां डीसी भी उत्तों ही लिया के ना पैराशूट दे नाल उतारने सरकार ने प्रबंध कर लिया। क्योंकि असी अही तां तरजां दीआं साजां दीआं तानां दे उत्ते नच नच के सारा कुछ खराब कर लिया। सो आओ, मेरा दिल करदा सी क्योंकि लाइव चलना सी, मैं चाहुंदा सी कि गुरु रविदास दा ओ नचण टप्पण वाला जिहड़ा अजकल पेश कीता जा रहा पक्ष है वह तो हट के गुरु साहब का क्रांतिकारी पक्ष जिहड़ा 2-2.5 घंटे दे विच कैमरा सी रिकॉर्ड हो जाना सीगा और वह रिकॉर्ड होया जिहड़ा लोग आने वाले समय दे विच सुनी जांदे, ये 100 साल तक भी सुन हो ही जाना सी। लेकिन असीं भी देखीदा वी जे रुचि उदां दी लोकां दी जिदां दी हैगी है फिर उदां दे दूजा कर ले। माफ करियो कई बार कौड़ी गल जिहड़ी है ना वह चंगी नहीं लगती,
पर कौड़िया चीजा दे विच कीड़े नहीं पैंदे। कौड़िया चीजा च कीड़े नहीं पैंदे, मिठिया च पैंदे आ। आ जिहड़ियां मिठिया गोलियां आपां सारे पिंड पिंड दे विच खाई जांदे आ ना, इहदे नाल आउण वाले समें दे विच कौम दी तकदीर दा, जो कौम दा हशर होने वाला ना, वह तुसीं कयास नहीं कर सकते। सो आओ इस महान रहबर दे कुछ जिंदगी दे उन्हां तत्थां नूं टच करिए जिहड़े हकीकत दे बहुत नेड़े जांदे आ। सो सब तो पहला एक शब्द दे नाल, गुरु साहब की गुरबाणी के शब्द के नाल आपां सारे हाजरी लवाईए, उस तो बाद फिर कोशिश करूंगा जिन्नी कि तुहाडी रुचि होई तुहाडी रुचि के मुताबिक, क्योंकि मेरी फीस तां तय आ, उन्ने पैसे मैं लेने लेने आ तुहाडे कोलों, ज़्यादा भी है नहीं साजां दी आ पैसे, तो इस करके मैनू कोई फर्क नहीं हैगा। तुसी सुनना चाहोगे मैं लंबा समा भी सुना दूंगा, तुसी नहीं सुनना चाहोगे मैं समाज इकट्ठा करूंगा तो घर जाके बह जूंगा।